डीमन स्लेयर का एपिसोड 10 अभी कुछ दिनों पहले आया था, जिसमें हमने लव हाशिरा मित्सुरी की बैक स्टोरी देखी। मित्सुरी की पूरी बैक स्टोरी में मेरे को बस एक चीज अच्छी लगी कि उसकी बैक स्टोरी में कोई भी सैड एंडिंग नहीं है, मतलब कि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं मरा। और ये जानकर मैं काफी खुश हुआ, क्योंकि बाकी सब हाशिरा की लगभग सैड सी स्टोरी है, जिसमें कि उनका कोई ना कोई अपना खो गया है, जो कि सबको मोटिवेट करता है कि उनको सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर बनना है। अब भले ही मित्सुरी ने अपनी लाइफ में किसी इम्पोर्टेंट को नहीं खोया है, लेकिन उसकी अपनी लाइफ के अपने स्ट्रगल है, जैसे कि जब उसका अपना कोई खोया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको हाशिरा बनने के लिए किस चीज ने मोटिवेट किया। एपिसोड 10 से पहले कभी भी हमें मित्सुरी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई जाती, यहाँ तक कि जब उसकी फाइट अपर मून 4 से हो रही थी तब भी वो अपने आप को होल्ड बैक कर रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? इन सारे सवालों का जवाब छुपा है उसकी बैक स्टोरी में। मित्सुरी जब छोटी थी तभी से हमें दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली पूरे डीमन स्लेयर के अंदर सबसे मॉडर्न थी, क्योंकि लड़की होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स मित्सुरी को कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते थे। मित्सुरी भी अपने फादर को देखकर अपनी ताकत दिखाने लगती थी। इसके अलावा मित्सुरी के अंदर बचपन से ही बहुत ही ज्यादा ताकत थी, मतलब कि नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले मित्सुरी लड़कों जितने ताकतवर थी। ये देखकर मित्सुरी की मदर थोड़ी देर के लिए शॉक तो हो गई थी, लेकिन मित्सुरी को रोकने की बजाय उन दोनों ने मित्सुरी को काफी ज्यादा एनकरेज किया। जब धीरे धीरे मित्सुरी बड़ी होने लगी तब उसे अपने और बाकी लड़कियों के बीच में डिफरेंस फील होने लगा। ऐसे ही सोच सोच कर मित्सुरी का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता रहा। एक टाइम के बाद मित्सुरी अपनी पूरी ताकत दिखाना बंद कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपनी पूरी ताकत दिखाएगी तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, जैसे कि पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि लड़की लड़कों का काम कैसे कर सकती है। इसी डर के कारण मित्सुरी के अंदर एंग्जायटी कॉम्प्लेक्शन बढ़ता चला गया। अब मित्सुरी को अपने अंदर और भी कमियां दिखाई देने लगती है, जैसे कि वो नॉर्मल लड़कियों से ज्यादा खाना खाती है, उसके बाल भी नॉर्मल लड़कियों से काफी अलग है। एक मिनट, ज़ेनित्सु के पीले बालों को लेकर भी लोग यही कहते हैं ना कि ये कैसे बाल हैं? इस एनिमे में ब्लैक हेयर ये नॉर्मल है क्या? खैर छोड़ो, मित्सुरी को लगता है कि उसकी ताकत लड़कों से ज्यादा है, इसी वजह से कोई लड़का उसे कैसे पसंद कर सकता है। रुको, लिटरली इस लड़के ने इतनी मस्त बंदी को रिजेक्ट कर दिया। अब मित्सुरी भी खुद को बदलने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो अपने बालों को डाई करके काले कर लेती है, अपनी ताकत को भी छुपाने लग जाती है, और इसके साथ ही खाना भी कम खाने लगती है। इन सारे चेंजेस के साथ एक लड़का मित्सुरी को पसंद कर लेता है, लेकिन मित्सुरी जब ये सोचने लगती है कि उसको जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा तब उसका मन नहीं मानता। अब डीमन स्लेयर का लीडर कागुया उबायाशी मित्सुरी को समझाता है कि उसे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, भगवान ने उसे एक अनोखी ताकत दी है जिसे उसे सबके सामने दिखाना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर मित्सुरी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अब मित्सुरी डिसाइड करती है कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान को ढूंढेगी जो कि उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। इसी रीजन की वजह से मित्सुरी डिसाइड करती है कि वो डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग लेकर हाशिरा बनेगी, क्योंकि मित्सुरी को विश्वास था कि बाकी हाशिरा उससे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई ना कोई स्वीकार कर लेगा। अब मित्सुरी की हाशिरा ट्रेनिंग रेंगोकू के साथ होती है। रेंगोकू की फाइटिंग स्पिरिट देखकर मित्सुरी उसे अपना मेंटर बना लेती है। जब मोगन ट्रेन के दौरान मित्सुरी को पता चला था कि रेंगोकू की मौत हो गई है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई थी। अब जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि वो नाग वाला बंदा ओबनाई, जिसने की मित्सुरी को हाई थाई सॉक्स दी थी। ओबनाई मित्सुरी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसे वो बोल नहीं पाता। मांगा के अंत में जब मुजान के साथ उन सभी डीमन स्लेयर की फाइट लगती है तब जाकर मित्सुरी और ओबनाई एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। इसके आगे बहुत सारे स्पॉइलर्स हैं, अगर मैं वो बताऊंगा तो तुम्हारा कहानी का मजा ही खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मित्सुरी लव हाशिरा कैसे बनी। मित्सुरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल और पैशनेट लड़की है, जो कि सभी के अंदर अच्छाई ढूंढती रहती है, सबको उनके काम के लिए कॉम्प्लीमेंट देती रहती है, सभी के साथ प्यार के साथ रहने के लिए और उनसे प्यार से बात करने की वजह से ही उसे लव हाशिरा का टैग मिला। इसके साथ ही मित्सुरी का ब्रीदिंग स्टाइल है लव ब्रीदिंग, जिसे कि खुद मित्सुरी ने फ्लेम ब्रीदिंग को कन्वर्ट करके लव ब्रीदिंग में कन्वर्ट किया है। अब बात करते हैं मित्सुरी की वीकनेस की। वैसे तो उसकी कोई भी मेजर वीकनेस नहीं है, लेकिन अगर मैं नेट पिकिंग करूं तो मित्सुरी के इमोशन ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, और फिजिकल तौर पर उसकी वीकनेस है लॉन्ग रेंज अटैक्स। अब फाइनली मित्सुरी के जीवन के ऊपर की कहानी को हम यही खत्म करते हैं कि
क्योंकि उसके आगे की स्टोरी मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। आई होप कि तुमको लव हाशिरा के लाइफ के ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुमको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताओ और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। इसके साथ ही अगर तुम्हें ब्लीच की वीडियो चाहिए तो तुम राइट वाली वीडियो को देख सकती हो क्योंकि वो एनिमे जल्द ही रिलीज होने वाला है, इसीलिए मैंने उसका ट्रेलर रिव्यू किया है, तुम जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।